अंग्रेजी में आपने एक सेंटेंस सुना होगा, हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही जीवन है। लेकिन आज के इस भाग दौड़ की जिंदगी में लोग स्वास्थ्य के प्रति चिंता नहीं करते हैं, और यही वजह है कि लोग धीरे धीरे जब बीमार पड़ते हैं तो उन्हें फिर अस्पताल और डॉक्टर की शरण में जाना पड़ता है। बिहार में स्वास्थ्य सेवा को लेकर के न सिर्फ आम बल्कि खास लोगों के बीच भी बहुत कम समय में अपनी लोकप्रियता का एक बड़ा आधार बनाया है रूबन अस्पताल ने। और इस वक्त हमारे साथ रूबन के MD डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह बात करने के लिए मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। पहले तो थोड़ा रूबन पर हम लोग चर्चा करें। कहा यह जाता है कि पटना में रूबन जब 2011-12 में आया था तो उस समय एक ऐसा अस्पताल आप लेकर के आए जो सीधे तौर पर खास से लेकर के आम तक की सेवा करता रहा है। पहले तो आप अपने अस्पताल के विषय में बताइए कि रूबन को आप लेकर क्यों आए और रूबन आज क्या क्या ट्रीटमेंट दे रहा है। इनफैक्ट रूबन हम ग्रेजुएट हैं पटना मेडिकल कॉलेज के, जहाँ हम जन्म लिए थे, वहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन किए 1979 में। हम इंग्लैंड गए और 17 साल के बाद में हम 96 के मार्च में वापस आए, और हमने 96 नवंबर में पहला लिथोथेरेपी सेंटर रतन स्टोन क्लिनिक शुरू किया था कंकड़बाग में। सिर्फ 2 बेड वो डे केयर के थे, बाकी ऑपरेशन हम आसपास के ऑपरेशन हॉस्पिटल में करते थे। वहाँ से हम आगे बढ़े, मुझे लगा और स्पेशलिटी की ज़रूरत है, तो हमने 45 बेड हॉस्पिटल गांधी मैदान के पास में 2000 मई में रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल हमने बनाया। ये हमारे बड़े भाई का लड़का था रूबन, उसका आकस्मिक देहांत हुआ, उसके नाम पे हम लोग किए। और आज धीरे धीरे रूबन शिफ्ट किए हम लोग पाटीदार कॉलोनी बड़े क्लिनिसेज में। आज वो 400 बेड का हॉस्पिटल है और उसमें सभी तरह के स्पेशलिटी हैं। हर स्पेशलिटी में 2-4 डॉक्टर हैं। हम लोग सिर्फ अभी कैंसर का इलाज कर रहे हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजी है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है, रेडियोथेरेपी नहीं है क्योंकि डेंस पॉपुलेशन के बीच में, इसलिए वहाँ नहीं लगा रहे हैं। हमारा उद्देश्य जो 96 में हम आए, इनफैक्ट हम आए थे 95 में, लेकिन हमें लगा कि हम जो जनरल यूरोलॉजी अच्छे काम कर रहे हैं, यूरोलॉजिस्ट 12 यूरोलॉजिस्ट ऑलरेडी, मैं भी वही करूं, तो ये कंपटीशन में इंटर करना और वो सुस्तरा का मुझे पसंद नहीं था। तो मुझे लगा कि जब तक हम कुछ स्पेशल चीज़ ऑफर नहीं करते, नया चीज़ नहीं लाते हैं, वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं हेल्थ केयर में, तो फिर मेरा आने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं तो अच्छे से कमा रहा हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिस इंग्लैंड में है, गवर्नमेंट जॉब है, बच्चे अच्छे कर रहे हैं। तो हम वापस चले गए और फिर 10 महीना करीब हम काम किए और डिसाइड किए, मेरे बड़े भाई साहब कर्नल ले के सिंह हैं, वो मोटिवेटर हमारे थे, हम लोग दोनों मिले कि हम लोग लिथोथेरेपी शुरू करें जो ईस्टर्न इंडिया में सिर्फ कलकत्ता में था। तो हमने जर्मनी जाके डोर्नियर का मशीन देखा, गेस्टलडॉर्फ में इंटरनेशनल मेडिकल एग्जीबिशन में, फिर म्यूनिक में उसका ऑपरेशनल चीज़ देखा, हमने ट्रेनिंग लिया और हम फर्स्ट लिथोथेरेपी से नवंबर 96 में शुरू किए। उसके बाद से हम लोग पहला किडनी ट्रांसप्लांट शुरू किए गांधी मैदान में, उसके बाद हम लोग पहला लेजर सर्जरी शुरू किए वहाँ पे, और इनफैक्ट धीरे धीरे हमने नेफ्रोलॉजी लगाया, फिर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी लगाया, फिर इमरजेंसी एक्सटेंड इमरजेंसी खोले तो उसमें ऑर्थोपेडिक न्यूरो सर्जरी, और धीरे धीरे आज सभी तरह के हैं। हम आज पहला रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं, हम मई से हमने शुरू किया है, मिडल ऑफ मई से रोबोटिक सर्जरी, और हर महीने में 10-15 केसेस हम लोग कर रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी का सबसे अच्छा जो चीज़ है उसका जो विजन है 3V, वेरी हाई डिफिनीशन हाई परफॉर्मेंस कैमरा है, तो एक्चुअली दिखाई पड़ता है 3D में का शरीर के अंदर में है, उसका जो ऑर्गन है एकदम साफ दिखाई पड़ता है, उसके ब्लड वेसल छोटे छोटे नर्व दिखाई पड़ते हैं, जो वो सीजर इंसीजन देते हैं तो एग्जैक्ट अवॉइड करते हुए देते हैं,
सूचर जब होता है तो नेचुरल वे में लेप्रोस्कोपी सर्जरी में या ओपन में कुछ देर के बाद हाथ जो है इनवॉलेंट्रली सेक करने लगता है, लेकिन रोबोटिक का जो आर्म है वो बिल्कुल इस सबसे परे है और उसका जो सूचरिंग होता है बहुत एक्यूरेट होता है। और ऑपरेशन में ये अपने श्रोता को जानना चाहता हूँ कि रोबोट ऑपरेशन नहीं करता है, सर्जन ऑपरेशन करता है असिस्टेड बाय रोबोट। रोबोट को सर्जन ट्रेंड सर्जन जो है जो ऑपरेट करते हैं जॉयस्टिक के साथ में, डिस्टेंस भी करते हैं, थिएटर में पेशेंट लेते हैं और एक डिस्टेंस पर सर्जन है। लेकिन ये इतना आविष्कार हो रहा है कि आप दूसरे शहर में पेशेंट हो और आप उस दूसरे शहर से आप ऑपरेट कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू 5G आने के बाद से। ये हाईली एडवांस सर्जरी है और इसमें कोई भी ऑफ सर्जरी जो हम लोग कर रहे हैं वो उसमें जैसे अभी प्रोस्टेट का टोटल प्रोस्टेट में हम लोग 2-3 किए हैं, वो बहुत म्यूटिलेटिंग ऑपरेशन होता था ओपन सर्जरी में, बहुत ब्लड गिरता था, ब्लड देना होता था। इसमें जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेम था जिससे ब्लीडिंग हुआ उसमें 100 ml केवल ड्रेन आया, किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ा। तो ये सब चीज़ रूबन शुरू से है कि हम क्या लाएँ। और अब बिहार में अभी लीवर ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है तो हम लोग इंडिया के एक हॉस्पिटल से, दिल्ली के हॉस्पिटल से हम लोग खुद का टीम बनाए हैं जो वेलोर में ट्रेंड हुए हैं लीवर डिजीज सर्जरी में और लीवर ट्रांसप्लांट में। वहाँ से हमने एनेस्थेटिस्ट 2-2 रखे हैं और उस हॉस्पिटल से जो एक्सपीरियंसड है पिछले 10-15 साल से कर रहे हैं उनके साथ मिलकर पहला बार हम लोग लीवर ट्रांसप्लांट शुरू करेंगे। तो ये जो वैल्यू एडिशन है, मेरा तरीका है कि जो डॉक्टर अच्छे इंस्टीट्यूशन से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे MCH कर रहे हैं, DM कर रहे हैं, अच्छे और इंस्टीट्यूशन में रेजिडेंसी किए हैं, उनको मैं हैंड होल्ड करता हूँ, मैं नए डॉक्टरों को प्लेटफॉर्म देता हूँ। इसलिए कि मेरा उद्देश्य जो पटना आने का 17 साल के बाद से था, जो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस अच्छा जिंदगी छोड़ के, कि हम वैल्यू एडिशन करें हेल्थ केयर में। और वैल्यू एडिशन तभी होगा जब हम जो प्रोसीजर नहीं हो रहा है, जो इक्विपमेंट नहीं है, जो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसको हम लाएं और नए डॉक्टर को हम हैंड होल्ड करें, उसको बनाएं, तो मैं एक मौका उनको दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जो ऑलरेडी पटना में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल में लाएं, दैट्स नॉट अ वैल्यू एडिशन। तो हमारा ध्येय है कि वैल्यू एडिशन हो। उसके ऊपर से पेशेंट जिस अच्छे इलाज के लिए बड़े शहरों में जाते थे वो कम हो गया है, उसको पटना में ही अपने घर में ही इलाज हो। चूँकि मेरा एक्सपीरियंस है इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी लंदन में काम कर रहे हैं जो टर्शियरी केयर सेंटर था, कि पूरे ब्रिटेन से, वेल्स से, नॉर्थन आयरलैंड से, स्कॉटलैंड से और आसपास इंग्लैंड से आते थे, तो जितना दूर पेशेंट होता तो उसके ऊपर उतना ही स्ट्रेस रहता था, जबकि ऊपर पैसा भी नहीं देना है, उसी देश के हैं, उसी धर्म के हैं, सब कुछ है, सिर्फ अपना इन्वायरमेंट नहीं है। तो ये भी बाहर जाके जो इलाज कराते हैं दूसरे शहर में, पेशेंट को पैसे के साथ में एक स्ट्रेस होता है, फैमिली का अपना लाइफ काम सबका डिस्टर्ब रहे, वो सब जाके वहाँ बैठे रहते हैं, अपने घर में होगा तो रिलैक्स रहेंगे, वहाँ से नेचुरली 3-4 गुना कम पैसा में हम लोग करते हैं और घर पर इलाज हो जाता है। दूसरा, हम इम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो टेक्नीशियंस हैं जो बाहर काम कर रहे थे वो आ रहे हैं, हम गांव से बच्चों को लाए हैं जो ग्रेजुएट किए हुए हैं और इंटेलिजेंट हैं, उनको हमने ट्रेनिंग दिया है और आज वो लेज़र यूनिट, आज वो लैप्रोस्कोपिक यूनिट, आज हर चीज़ को हैंडल कर रहे हैं और उनको डिस्टेंस एजुकेशन से सर्टिफिकेट भी दिए हैं। सो आई एम एडिंग इन ऑल वे कि हेल्थ केयर में बाहर नहीं जाएं, नए डॉक्टर को प्लेटफॉर्म दें और बाहर जो डॉक्टर जा रहे थे उनको, जो मरीज जा रहे थे, हम यहाँ रेवेन्यू जनरेट भी कर रहे हैं। तो हमारा वो उद्देश्य था और इसी उद्देश्य को आगे रखते हुए हम लोग प्लान किए हुए हैं कि नवतपुर और एम्स के बीच में बीचों बीच हम लोग 23 एकड़ ज़मीन दिया है जहाँ पर 600 बेड का हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज करेंगे, नर्सिंग कॉलेज करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे बच्चियाँ यहाँ एजुकेशन, मेडिकल कॉलेज कम होने के कारण, जिस कारण से भी साउथ इंडिया जाते हैं, वेस्ट इंडिया जाते हैं, इवन विदेश जाते हैं। जब हमें पता चला यूक्रेन के लड़ाई में कि हमारे कितने बच्चे वहाँ स्टैंडर्ड हो गए थे, तो हम अच्छा एक मेडिकल कॉलेज करें। वो मेडिकल कॉलेज भी एक बहुत ही स्पिरिचुअल आदमी के नाम पर कर रहे हैं, स्वामी सदानंद सरस्वती के नाम पर, जो जिनका परिचय है इंडियन स्पिरिचुअल लीडर, टर्न ऑफ द पेजेंट्स लीडर, उनके वो स्वामी जी ऐसे व्यक्ति हैं
जो दुनिया में बेमिसाल हैं, जो स्पिरिचुअल थे और गरीबों के लिए मिलिटेंटली लड़ने वाले थे, तो वो बच्चों पे मोटिवेट करेगा। नर्सिंग कॉलेज हम कर रहे हैं एक मेरी मैकडोनल्ड के नाम से, जो हमें मिली थी 70-year-old लेडी स्कॉटलैंड के छोटे से टापू में, तो हमने उसको एग्जामिन किया, उसी आस में विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू कम फ्रॉम, आई सेड आई कम फ्रॉम इंडिया, तुरंत बोलते आप हिंदी बोलते हैं, हम बोले कि हम तो हिंदी बोलते हैं, आप हिंदी कैसे बोलती हैं। तो 30 साल लखनऊ टाउन में एक जबलपुर के पास में वहाँ पर नर्सिंग की, वहाँ पर ऑर्फनेज खोली, वो ऑर्फनेज के दो बच्चों को अडॉप्ट की, और वो जब भी हम मिलते थे तो उसकी ज़िंदगी और उसकी जान हमेशा उन बच्चों लखनऊ टाउन में था, और वो उसी ट्रीटेड अस लाइक ए मदर। तो हमें लगा कि इससे अच्छा एग्जाम्पल नर्स का नहीं हो सकता है, इसलिए नर्सिंग कॉलेज के नाम से करेंगे। सो आई वॉन्ट कि ना, अच्छा काम तभी होता है, लगन से तभी करेंगे, मेहनत तभी करेंगे जब आप मोटिवेटेड हों, इमोशनली अटैच्ड हों। तो दैट विल बी माई अटेम्प्ट कि बच्चों को शुरू से हम पैसा कमाएं जरूर, और अच्छा काम करें तो पैसा कमाएंगे, लेकिन प्रोफेशन से पेशेंट से इमोशनली इन्वॉल्व हों। मेरा यही है कि लोगों का धर्म, जो डॉक्टर हैं उनका धर्म मेडिकल साइंस है और भगवान मरीज है, ये इस थीम से हम बच्चों को आगे बढ़ाएंगे मेरे कॉलेज। डॉक्टर साहब, रोबोटिक सर्जरी के विषय में अभी आप बता रहे थे, तो क्या बिहार में सिर्फ ये मात्र सुविधा रूबन में ही है, और आप जो रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो उस क्या वो एक्सपेंसिव है, और जो आम लोग हैं खास करके जो, तो क्या आपको ये पता है, और अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे अनौपचारिक, कि बिहार जो है वो मोस्ट बैकवर्ड जो एरियाज हैं बिहार में, वहाँ पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, तो क्या अगर वैसे लोगों को रूबन की आवश्यकता पड़ती है तो डॉक्टर साहब खड़े हैं? बिल्कुल, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि जिस क्वालिटी का इलाज हम करते हैं, केयर और मटेरियल और दवा, वो वही है जो किसी भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल में होता है, और हमारे यहाँ 1/3 प्राइस में होता है। उसके अलावे कैंसर का इलाज और हार्ट का बीमारी, कुछ केसेस में हमें CM फंड से पैसा मिल जाता है उनके इलाज के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, कल लीवर ट्रांसप्लांट होगा तो उसमें भी PM फंड से, CM फंड से मिल जाता है। हम लोग जितने गवर्नमेंट के कैशलेस स्कीम्स हैं हम सभी को लेते हैं, हालांकि बहुत से अस्पताल नहीं लेते हैं, इसलिए कि इसमें टैरिफ कम ही नहीं है, पेमेंट भी देर से होता है, मुझे बहुत कष्ट होता है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, और हमने ये इंग्लैंड में सीखा है कि मैं डॉक्टर क्यों हूँ और मैं हॉस्पिटल क्यों चलाया हूँ, उसमें अगर प्रिविलेज है, अच्छा है, उसमें पेन भी है, तो आई एम रेडी टू टेक दोज पेन टू ट्रीट सच पेशेंट्स, और मैं इन लोगों का इस तरह से इलाज करता हूँ। कि रोबोटिक सर्जरी है वो ऑपरेशन पे अलग नहीं है, ऑपरेशन वही है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट कंपेयर टू अदर प्लेसेस हम लोग 1/3 लेते हैं। जो हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते थे हम उतना ही लेते हैं, लेकिन कंज्यूमेबल उसके ऊपर से जो लगता है उसके लिए अगर 35-40,000 और ज़्यादा लगता है तो हम लोग उसका चार्ज करते हैं, लेकिन जो गरीब हैं उनको हम लेप्रोस्कोपी से कर सकते हैं, उनको ओपन भी, ओपन हमारे यहाँ होता नहीं है, गरीब का भी लेप्रोस्कोपी से हो जाता है, तो इस तरह से हम लोग मदद कर सकते हैं उनको, गवर्नमेंट का फंडिंग दिला करके हम लोग उसको इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल ये है कि पहले लोग यहाँ पर, आपने भी देखा होगा क्योंकि बता रहे हैं कि 1994 के बाद से आप यहाँ पर लगातार सेवा दे रहे हैं लोगों को, कि जो यहाँ निजी अस्पताल हैं, जो निजी क्लिनिक हैं या फिर सरकारी अस्पताल में भी जो डॉक्टर बैठते हैं, वो यहाँ से कई ऐसे जो सीरियस केसेज होते थे, कभी BHUs को भेज दिया जाता था, कभी और दूसरी जगह भेज दिया जाता था, तो रूबन इस टाइप के केसेस को क्या आप ले रहा है, और लोगों को ऐसा लगता है आपको कि अब या डॉक्टर साहब कमिटमेंट करेंगे अभी हमारे चैनल पर कि अब लोगों को इसके लिए BHU जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? आप बात जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन वो लोग ऐसे हैं जो सोलो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अपना क्लिनिक सिर्फ कर रहे हैं, जैसे हम अपने पेशेंट को रखते हैं या अपने ऑपरेशन करते हैं, वो सेफ जगह नहीं है, क्योंकि पेशेंट अगर क्रिटिकल हो गया, कोई भी सिंपल ऑपरेशन अपेंडिक्स का है, वो क्रिटिकल सेप्टिसीमिया में जा सकता है, तो उसके लिए ICU की ज़रूरत होता है, उसके लिए इंटरवेंशनिस्ट की ज़रूरत होता है। एक पेशेंट है जिसमें 2-3
को मॉर्बिडिटी हो सकता है, उसको हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, तो फिर उसके लिए डॉक्टर चाहिए। तो हम जो शुरू किए हैं इज़ अ मल्टी स्पेशलिटी, एज आई टोल्ड यू कि हमारे यहाँ हर तरह के इंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, न्यूरो फिजिशियंस हैं, न्यूरो सर्जन हैं, कार्डियक सर्जन हैं, हमारे यहाँ ये कार्डियक कैथ लैब है, हमारे यहाँ 105 क्रिटिकल बेड्स हैं और सभी के सभी 85-90% एवरेज ऑक्यूपेंसी है। हर 24 आवर्स 6 इंटरवेंशनिस्ट हमारे हॉस्पिटल में प्रेजेंट रहते हैं और हर जो 3 विंग है हमारे क्रिटिकल केयर के, हर में एक क्वालिफाइड हेड है जो सुबह से शाम तक रहता है, उसको रिव्यू करता है, डॉक्टरों से स्पेशलिस्ट से इंटरेक्ट करता है। तो इट्स एज सेफ एनी हॉस्पिटल एनी वेयर इन इंडिया। तो हमें नहीं लगता है कि मुझे किसी को रेफर करने की ज़रूरत होती है, लेकिन पेशेंट के अंदर में है, प्राइवेट प्रैक्टिस है, उन्हें लगता है कि अमुक अस्पताल है, अमुक शहर में बड़ा नाम है, बड़ा ये है, तो जाना चाहते हैं, तो मैं उन्हें भी मैं डिस्करेज नहीं करता हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल फैमिली को ये हक है कि अपने तरफ से जितना अच्छा वो समझे उतना अच्छा से दे सके। लेकिन इलाज यही होता है जो और कहीं भी दुनिया में होता है, नॉट ओनली इन इंडिया। तो हम इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्रिटिकल केसेस, हम इसलिए कॉम्प्लिकेटेड केसेस को एक्सेप्ट करते हैं और इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी आते हैं हमारे यहाँ। 25, 30, 32 एमरजेंसी आते हैं जो बुलेट इंजरी है, मल्टीपल एक्सटेंट इंजरी है और कार्डियक केसेस आते हैं और हम लोग ट्रीट करते हैं इंस्टेंटली, क्योंकि टीम है और हमें चाहिए कि हम सोलो प्रैक्टिस नहीं करके हम एक मल्टी स्पेशलिटी टीम बना करके अस्पताल बनाए, तो पेशेंट भी सेफ है और डॉक्टर भी सेफ है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल है, चूँकि आप मतलब आई थिंक इस तरह के सभी आपसे बात हो रही थी, तो आप एक चूँकि ज़्यादा समय आपका विदेश में ही बीता है, गवर्नमेंट लेवल पर हेल्थ के सेक्टर में कुछ रिफॉर्म की आवश्यकता है आपको लगता है? देखिए, ये पूरे दुनिया में एक स्लोगन था और इस देश में भी बहुत से कमेटी बने हैं, हेल्थ फॉर ऑल, एवरी सिटीजन इज एंटाइटल्ड फॉर गुड एजुकेशन एंड गुड हेल्थ। इसकी प्रायोरिटी हमें लगता है कि अभी भी सरकार के पॉलिसी में और इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। बड़े शहरों में बड़े अस्पताल आ रहे हैं, लेकिन बड़े शहर के आप किसी लोकेलिटी में चले जाएं तो फिर वो स्टैंडर्ड नहीं है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल इज नॉट साइन ऑफ गुड हेल्थ। इनफैक्ट हेल्थ का जो डिफिनीशन है WHO का डिफिनेशन है, इट्स नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज बट फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। हेल्थ शुरू होता है एक इन्वायरमेंट से, जो हमारी गंदगी है, पोल्यूशन है, वो हेल्थ हजार्ड है। हमारे यहाँ जो इस तरह की कलह है, जिस तरह का डिस्प्यूटेड प्रॉब्लम्स है जिसका सही समय पर समाधान करने वाला कोई नहीं है, वो मेंटल हेल्थ देता है हमें। सिर्फ सिंबोलिज्म रिलीजन का नहीं हो, स्पिरिचुअल फीलिंग हो, लोगों में स्पिरिचुअल फीलिंग आए इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, तो वो एक इमोशनल हेल्थ देगा। हमारे यहाँ बहुत विकसित हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, पूरा दुनिया जानता है कि इंडिया इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियली आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो कन्फाइंड है कुछ बड़े शहरों में, वो कन्फाइंड है डिफेंस में है, वो कन्फाइंड है इंफ्रास्ट्रक्चर में है। लेकिन आप चले जाएं कोही बेल्ट में, आप चले जाएं छत्तीसगढ़ में, चले जाएं झारखंड में, आज भी वहाँ पर शिक्षक नहीं है, बच्चे रोड पर हैं, उन्हें पढ़ाने वाला नहीं है। मैं कुछ बच्चों को एडॉप्ट किया हूँ, उन्हें मैं सहारा दिया, उन्हें हम मोटिवेट किए, तो आज वो CA का एग्ज़ाम पास किए, वो इंग्लैंड जा रही है CA करने के लिए, मैं उसे प्रोत्साहित किया कि तुम जॉब करो। दूसरी बहन उसकी मास मीडिया और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन की है, वो आगे पढ़ने के लिए जर्मनी अप्लाई कर रही है। दूसरे जो हमारे हैं, उस बच्ची को अभी 8वें क्लास में, आज से बहुत ही निम्न जो
स्टेटस है उस समाज से आता है, वो बहुत अच्छी है, स्कूल में अच्छी कर रही है। मैं उसे प्रोत्साहित करूँ, बेटी तुमको डॉक्टर बनना है, मैं उसे डॉक्टर बना दूँगा, उसको सरकारी मदद भी मिल जाएगा जो यहाँ रिजर्वेशन का है, जो उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है। तो इन लोगों को जो मैं मदद करता हूँ, तो जब रोड पर जाके देखता हूँ बच्चों को, बच्चियों को ऐसे ही फिर रहे हैं, उन्हें अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है, मुझे लगता है इसमें से कितने टैलेंट हैं जो हम देश में नहीं उभर रहे हैं, ये नेशनल लॉस है। और यहाँ के हर व्यक्ति को, हर बच्चे को अच्छा एजुकेशन और अच्छा हेल्थ नहीं मिल रहा है, ये नेशनल लॉस है। इस लॉस को बचाना चाहिए। हम ट्रेन का स्पीड जो भी हो, लेकिन इन बच्चों की पढ़ाई और हेल्थ ज़्यादा अच्छा हो तो हम देश ज़्यादा विकसित होगा। और किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए, जो स्कैंडिनेविया ने प्रूव करके देखा है कि कॉलोनी यही रहते हुए भी आज वेलफेयर स्कीम के कारण स्कैंडिनेविया का लिविंग स्टैंडर्ड ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी से ज़्यादा अच्छा है, दैट्स बिकॉज ऑफ द वेलफेयर स्टेट। तो अगर हम हमारे वर्कफोर्स हेल्दी और एडुकेटेड होंगे तभी हम दुनिया के सबसे विकसित समाज बनेंगे, जिसमें प्लान तो बहुत है और कैलकुलेशन से भी लगता है कि बहुत विकसित हो जाएंगे 2030 में और 2047 में, लेकिन हमारे वर्कफोर्स जो हैं वो एडुकेटेड हेल्दी नहीं है, तो हमें लगता है कि उसमें कहीं बाधा ना आ जाए। तो सरकार का सबसे बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए सोशल सेक्टर, बाकी में कॉम्प्रोमाइज़ करें तो करें, सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और करना चाहिए। हेल्थ अभी 1.3 और 1.8 दो से कम है, ये कम से कम 6 होना चाहिए, इससे भी ज़्यादा होगा तभी जितने भी स्कीम सरकार के हैं उसके जो बेनिफिशियरी हैं लाभान्वित होंगे, डॉक्टर अस्पताल उन्हें अच्छे से अच्छे इलाज के लिए उन्हें कोतूली नहीं करना होगा, उसका कॉर्नर कट नहीं करना होगा, इसलिए कि उसका टैरिफ इतना कम है, कैसे ऐसे करें। और मेरा जो एज ए डॉक्टर विश्वास है, जो हम दुनिया में देखे हैं, अच्छा इलाज एक ही होता है, गरीब के लिए अलग इलाज और अमीर के लिए अलग इलाज, उसके लिए अलग सूचर, उसके लिए अलग एंटीबायोटिक नहीं होना चाहिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है अगर आप उसमें फाइनेंस नहीं लगाएं, उसके टैरिफ को नहीं बढ़ाएं, अस्पताल कोप नहीं कर पाएगा उसे स्टैंडर्ड पर देने का। तो मेरा अपील है जनता से, जब तक आप मांग नहीं करेंगे मुझे अच्छा इलाज दो, मांग नहीं करेंगे हमें अच्छा एजुकेशन दो, तब तक अथॉरिटी नहीं सुनेंगे। ये तो एक एक्टिविस्ट का तरह से बात हुआ, और मुझे जब परिचय देने के लिए कहा जाता है, एक आई एम ए पीस एक्टिविस्ट, हम एंटी न्यूक्लियर और वॉर पीस के लिए काम करते हैं इंटरनेशनली, हेलसिंकी में हम जादूगुडा के माइन वर्कर्स के हेल्थ स्टेटस को हम डिस्प्ले कर रहे थे, टॉक दे रहे थे, तो चेयर ने मुझे पूछा, डॉक्टर सिंह यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आई सेड आई एम डॉक्टर सिंह, आई एम सोशल एक्टिविस्ट, आई एम एंटरप्रेन्योरियल एज वेल एज अ डॉक्टर। मेरा जो अपना विचार है जिस कारण से मैं वापस घर आया हूँ, नॉट जस्ट फॉर बीइंग डॉक्टर, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी डॉक्टर देयर, आई वाज ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग, आई वाज यूजिंग ऑल द टेक्नोलॉजी विच आई एम डूइंग हियर, क्या मैं वहाँ नहीं था जो मैं होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अच्छा सिटीजन बनूँ, सोसाइटी में एक लीडरशिप दूँ जो सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, बच्चों को, यूथ को हम प्रोत्साहित करें, हम नए डॉक्टरों को प्रोत्साहित करें, या प्रोफेशन से और आप मरीज से इमोशनली इन्वॉल्व हैं, इन्जॉय टॉकिंग टू देम एंड इन्जॉय बींग, हम किसी से कम नहीं हैं, ये हमेशा होना चाहिए कि हम वो टेक्नोलॉजी में काम करें जो कहीं भी इंडिया में बाहर हो रहा है। तो ये मेरा उद्देश्य है, ये तरीका इसी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, स्ट्रगल मुझे बहुत करना पड़ा है, बहुत से स्ट्रगल हैं जो नहीं बोलना चाहेंगे। हमें लगता है कि बिहार के अपने अस्पताल, अपने लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि सिर्फ कॉरपोरेट को, आप सब फैसिलिटीज दें, वो हम लोग वही कर रहे हैं जो हम इंग्लैंड में कर रहे थे, लीव अलोन कॉरपोरेट ऑफ डेली एंड बॉम्बे। तो बिहार के लोगों को प्रोत्साहित करें अथॉरिटी, और सबसे बड़ी बात है कि मस्ट एस्टैब्लिश ए ट्रस्ट बिटवीन द अथॉरिटी एंड द डिलीवरी सिस्टम, जो हेल्थ डिलीवर कर रहे हैं, जो डॉक्टर हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, उनका अथॉरिटी में बहुत अच्छा संबंध होने की ज़रूरत है, तभी दोनों पहिया साथ चलेगा तब आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ पर आप लगातार उस समय से एम्फेसिस दे रहे हैं, वो है स्पिरिचुअलिज्म। क्या आपको लगता है कि स्पिरिचुअलिज्म के माध्यम से भी
कई बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, और क्या इस तरह की सुविधा आप दे रहे हैं या फिर आने वाले दिनों में आपकी कुछ ऐसी प्लानिंग है? देखिए, धर्म, रिलीजन, स्पिरिचुअलिज्म दो डिफरेंट चीज़ है। धर्म सिंबॉलिक होता है, स्पिरिचुअलिज्म सोच होता है। आप कुछ जगहों में जाएं, जैसे मैं आई एम नॉट फ्रीक्वेंट विजिटर ऑफ वर्शिप प्लेसेस, लेकिन मैं अगर पांडिचेरी जाता हूँ, मैं अगर कलकत्ता में जो आश्रम है वहाँ जाता हूँ, स्वामीनारायण टेम्पल जाता हूँ, एक अजीब तरह का वहाँ पे इन्वायरमेंट होता है जो बाकी मंदिरों में नहीं होता है। दैट इज़ फॉर स्पिरिचुअलिज्म। आप स्पिरिचुअलिज्म अच्छे सोच, स्ट्रेट थिंकिंग, ट्रांसपेरेंट रहेंगे, दैट इज़ स्पिरिचुअल, और आपको मेंटल पीस देगा। आप बहुत व्यस्त रहेंगे, फिजिकली टायर्ड होंगे, लेकिन आप सही काम करते हैं, आपके अंदर में सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, वो मेंटल पीस देता है, आप आराम से सो सकते हैं। दैट्स माई डिफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म।